हेलो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है मानव प्रहर, आप देख रहे हैं एक वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 9.0 पाई के बारे में। अगर आप एंड्रॉइड 9.0 पाई के ऊपर अपडेट करना चाहते हो और आपके डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड पाई का अपडेट आ गया है तो अपडेट करने से पहले ये वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में एंड्रॉइड पाई का जो मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उससे साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर से दबाना। तो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो एंड्रॉइड ओरियो था वो कुछ ही डिवाइस के ऊपर आया था, उसके बाद जो एंड्रॉइड पाई लॉन्च हुआ है दोस्तों अभी के लिए कुछ 1 या 2% डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड पाई आया है। और जितने भी डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड पाई लॉन्च हुआ है दोस्तों उसके अंदर बहुत सारी बग दिखाई दिया है। सो इसके तहत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि गूगल पिक्सल 2 XL, उसके साथ साथ जो एशियन फोन है दोस्तों उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मेजर फॉल्ट है, मेजर बग है। सो दोस्तों अगर आप एज अ डेली ड्राइवर एंड्रॉइड पाई यूज करना चाहते हो अपने डिवाइस के ऊपर, सो क्या अभी के लिए सही है वही हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जो एंड्रॉइड पाई है वो बेसिकली एआई के ऊपर डिपेंड है, मोस्टली जो एंड्रॉइड पाई का फीचर है दोस्तों एआई के ऊपर डिपेंड है। और आपको दोस्तों हमारा जो प्रोसेसर है, जैसे कि मेरे दोस्तों मेरे पास जो रेडमी नोट 4 है दोस्तों इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 625 यूज किया गया है। वो जो प्रोसेसर है दोस्तों वो प्रोसेसर के अंदर एआई का कोई फीचर नहीं है। सो शायद अगर मैं मेरे रेडमी नोट 4 के अंदर एंड्रॉइड पाई के अंदर अपडेट करता हूँ तो शायद मुझे इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं मिले एज कम्पेयर टू ऑडियो। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो प्रोसेसर है अगर वो एआई को सपोर्ट करता है तो आपके फोन के ऊपर एंड्रॉइड पाई बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, आपको सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर। दोस्तों जो गूगल पिक्सल 2 XL एशियन फोन वन प्लस डिवाइस का जो यूजर है उसके तहत जो रिपोर्ट आया है, जो जो यूजर ने रिपोर्ट किया है बग को, फीडबैक किया है, उसी तहत वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम आती है तो एंड्रॉइड की 9 के साथ वो है दोस्तों वाईफाई और ब्लूटूथ रिलेटेड। जैसे कि आप वाईफाई को ऑन करते हो आपके डिवाइस के ऊपर और एक वाईफाई ऑलरेडी सेट किया है, पर उसके अंदर आप टॉगल्स के साथ उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा, वाईफाई जाके आपको वाईफाई को फॉरगेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका डिवाइस वाईफाई और हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होगा। सो इस तरह से भी सेम इशू है दोस्तों ब्लूटूथ के अंदर। सो वाईफाई और ब्लूटूथ के अंदर इशू है एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ। नेक्स्ट दोस्तों जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर दिखा गया है वो है दोस्तों बैटरी डेड इशू। दोस्तों आपको बता दूं जो एंड्रॉइड पाई है एआई सिस्टम बेस्ड है, इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका जो बैटरी मैनेजमेंट वो हैंडल होता है, उसके साथ साथ आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है, आपका जो यूजरबिलिटी है, आप किस तरह से अपना डिवाइस यूज करते हो उसके तहत जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है उसे किल कर देता है एंड्रॉइड पाई दोस्तों। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखा गया है जो गूगल पिक्सल 2 XL के यूजर है उसने रिपोर्ट किया है, एंड्रॉइड पाई में अपडेट करने के बाद बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है। अगर आप अपने फोन को स्लीप मोड में रख देते हो, अपने फोन को लॉक करके रख देते हो तो बहुत ज्यादा ड्रेन होता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों गूगल काम कर रहा है नया अपडेट के ऊपर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ नया अपडेट के साथ ही फिक्स किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है गूगल पिक्सल 2 XL, पिक्सल XL, वन प्लस, उसके साथ साथ एशियन फोन सबके ऊपर से प्रॉब्लम है। एंड्रॉइड पाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है आइडल मोड के तहत और स्लीप मोड में रखने के बाद। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चार्जिंग की इशू। यहाँ पर दोस्तों जितने भी फोन मैंने बताया है सब कुछ फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, पर दोस्तों एंड्रॉइड पाई के अंदर फास्ट चार्जिंग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका फोन स्लोली चार्ज होगा एंड्रॉइड पाई के ऊपर। दोस्तों ये जो चार्जिंग का बग है पार्टिकुलरली एंड्रॉइड पी का जब डेवलपर प्रीव्यू बीटा 1 लॉन्च हुआ था उसके अंदर प्रॉब्लम दिखाई दिया था, पर उसके बाद दोस्तों 2 और 3 के अंदर गायब हो गया। उसके बाद फिर से दोस्तों जो फाइनल बिल्ड लॉन्च हुआ है उसके अंदर ये प्रॉब्लम दिखा गया है। ये एंड्रॉइड पाई के ऊपर कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग काम ही नहीं करते है। हाँ जी दोस्तों यहाँ पर आप अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो, अगर आप कोई भी जो सॉफ्टवेयर आता है कंपनी के थ्रू उसको यूज करते हो तो आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो एंड्रॉइड पाई के ऊपर। जो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये प्रॉब्लम को आपको फिक्स करने के लिए आप रूट एक्सेस के साथ इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम एंड्रॉइड पाई के ऊपर दिखा गया है कैमरा के रिलेटेड है। सो कैमरा जब आप ओपन करते हो कुछ टाइम के बाद कैमरा क्रैश हो जाता है, लगभग आपको दोस्तों 2-3 मिनट के बाद कुछ कुछ डिवाइस के ऊपर कुछ कुछ मॉडल्स के ऊपर एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है। इसके ऊपर गूगल काम कर रहा है, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हो तो सिंपली कैमरा का जो कैशे है उसको क्लीन करके फिर से कैमरा को ओपन करके ट्राई करके देख सकते हो। दोस्तों और कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो कि जानना आपको जरूरी है, सो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऊपर, उसके साथ साथ वॉल्यूम के अंदर भी कुछ इश्यू दिखा गया है। उसके साथ साथ जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है दोस्तों ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो एआई है वो समझ नहीं पा रहा है एंड्रॉइड पाई को। सो यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा पंगा है, इसलिए बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है। दोस्तों गूगल असिस्टेंट का जो वॉइस मैच सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, गूगल आपका वॉइस ढंग से पकड़ नहीं पा रहा है, इस तरह की भी प्रॉब्लम दिखा गया है एंड्रॉइड पाई के ऊपर। नॉच सेटिंग्स है, नॉच के लिए भी एंड्रॉइड पाई अभी के लिए सुइटेबल नहीं है, नॉच के अंदर भी प्रॉब्लम दिखा गया।
तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम बताया हूँ इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको गूगल का नया अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा, जैसे कि एंड्रॉइड 5.0 से 5.1 के ऊपर गया था, उसके बाद 8.0 से 8.1 के अंदर भी गया था, उसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड 9.0 आया है, उसके बाद एंड्रॉइड 9.1 भी आएगा, क्योंकि दोस्तों 9.0 के अंदर बहुत ज्यादा बग है। और अगर आपके लिए आप एंड्रॉइड 9.0 के अंदर ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आपको जो चीज सबसे पहले करना चाहिए, आपका पूरा जो फोन है उसे फैक्ट्री रिसेट करो। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद प्ले स्टोर से 1v1 सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो फ्रेश करके, उसके बाद शायद आपका ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो फिक्स तो नहीं होगा, नेक्स्ट रन के अंदर फिक्स होगा, पर एज ए डेली ड्राइवर आप काम चला सकते हो। एनीवे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर दबाना, और आपको मैं दुआ करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।